लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, कि भगवान कृष्ण से अपना प्रेम, जो हमारा संबंध जो टूट गया, कृष्ण भगवान का हमारे साथ संबंध हर टाइम रहता है, वो कभी हमारे को नहीं छोड़ते, परंतु हमारा जो टूट गया उसको वापस स्टैब्लिश करना, बस खत्म। ये हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसके लिए आपको बचपन से अगर नहीं सिखाया जाएगा तो आप फंस जाओगे किसमें, फिर आप 45 साल की उम्र में सोचो कि यार अब क्या करूं, तो बेटा लोन ले रखे हैं तूने, कम से कम 1.5-2 करोड़ के लोन लेके बैठा है, 1-1 लाख का तू EMI दे रहा है, 65 साल में जाके लोन क्लियर होगा, 30-30 साल के लोन लेके बैठे हो, हैं? अगर आपने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया होता, उसका मतलब आपने, ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब क्या है, आपने दोनों नॉलेज ली होती, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, अगर दोनों नॉलेज आपने ली होती तो आपको बताया जाता कि उधारी मत करना जिंदगी में कभी भी, कभी भी उधारी मत करना, कभी नहीं। तो देयर इज नो बैलेंस, दे आर सपोर्टिव, क्या सपोर्टिव, सपोर्टिव है, शरीर का निर्वाह करना है, नौकरी कर रहे हैं, सपोर्ट किस लिए, कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। बैलेंस नहीं है प्रभु जी, बैलेंस में तो क्या होता है, दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको जब भी सब बैलेंस वर्ड यूज करता हूं, मैं कहता हूं सपोर्टिव है, क्या है सपोर्टिव है, नौकरी जाता हूं, गाड़ी मेरे लिए सपोर्टिव है, बैलेंस करते हो गाड़ी को और नौकरी को, यस। ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जीवन का लक्ष्य अगर क्लियर होता है तो आप फिर क्या होता है, बाकी जो कार्य करते हो सपोर्टिव, अब सपोर्टिव कार्य कितना करते हो बताइए, सपोर्टिव कार्य उतना ही करते हो जितना की आवश्यकता है, परंतु यहां तो सपोर्टिव कार्य मेजर हो रहा है, क्या हो रहा है, परंतु आप कहोगे दुनिया में, तो देखिए ध्यान रखिएगा, मेरा दुनिया से मतलब नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं आपको क्या बनना पड़ेगा, सेल्फिश, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने के मतलब शरीर के बारे में नहीं, मुझे अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, मैं हर जन्म में आता हूं, ये इसी लफड़े फंसा रहता हूं, मेरे को इस, जब भी भगवान ने साफ क्या कहा, ममता को छोड़ो, क्या छोड़ो, ममता को त्यागो, अगर ममता करनी है तो सिर्फ भगवान के साथ करो, क्या करो, कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, क्या बाकी सब, सब ऐसा ही है, अपना ड्यूटी करो, खत्म। ड्यूटी में प्रभु जी अटैचमेंट नहीं होती, जब आप ड्यूटी की तरह नहीं करते तब अटैचमेंट होती है, यह पहले क्लियर करना पड़ेगा प्रभु जी। जब तक कि आपको लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझ लो आप मल्टी फेरियस एक्टिविटीज में रहोगे, मल्टी फेरियस आपके पॉइंट्स होंगे, मल्टी फेरियस आपके लक्ष्य होंगे। जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर है, नहीं है प्रभु जी, मैंने IITs, IIM सब जगह लेक्चर दिए, मैं अमेरिका तक जाके एक लेक्चर दिए प्रभु जी, 99.9999% लोगों को अपना लक्ष्य नहीं पता, लक्ष्य सबों का एक ही है, मैं बता चुका हूं, एक ही आनंद, क्या चीज सही ढूंढ रहे हो, गलत जगह ढूंढ रहे हो, परंतु आपको तो अभी बच्चे पैदा करें, उनको इंजॉय करना है, उनको आपको टॉप पोजिशन पे लेके आओगे, फिर आप उनका भी भोग करोगे, अपना तो करोगे करोगे, फिर उनका माल भी उड़ाओगे, उनको भी चोर बनाओगे कि भगवान का माल उड़ा के उड़ा, भाई भगवान ने तो दिया ही उड़ाने के लिए, तो बेटा फिर क्या फर्क पड़ता है। कल किसी BMW वाले ने तेरी छोटी गाड़ी को उड़ा दिया और तू मर गया, तेरा बच्चा, तो हम क्या करें उसमें, हुआ है खूब, फिर क्यों रोते हो आके, आप भी तो ऐसे ही करते हो, आप दूसरे को उड़ा देते हो। तो ये मत देखिए दुनिया क्या करती है, क्योंकि मरोगे आप अलग और मैं भी अकेला, है ना प्रभु जी, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये चीज बोलते सिर्फ हम, सिर्फ क्या करते हैं, हम बड़े ज्ञानी बनते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जाया करता था जब पार्टीज में, तो वहां बड़ी बात करता है, कम अलोन विल गो अलोन, अभी मैंने गधे हाथ में रख रखी है, विस्की का ग्लास, स्कॉच ले रखी हाथ में, युद्धवीर प्रभु बात कर रहा है, अकेले अकेले जाना, मैंने कहा बेटा ये साथ जाएगा तेरे, चिंता क्यों कर रहा तू, ये ऐसा लेके जाएगा तू भी याद रखेगा जिंदगी भर, कहा अकेला आया अकेला जाएगा। तो बेसिक फैक्ट ये है, ये क्लियर रखना पड़ेगा प्रभु जी। जहां आपने लक्ष्य क्लियर रख लिया, जैसे कि मैंने देखा है लोगों को, मैंने कई लोगों को जानता हूं, उनका मेटीरियल लक्ष्य है प्रभु जी, वो कहते हैं आई विल यूज एवरीवन, आई मीन आई डोंट वांट टू से हियर, इट इज नॉट नाइस टू से हियर, आई नो अ बिजनेसमैन इन आगरा, जब मैं छोटा था, मेरे फादर की लास्ट पोस्टिंग वहां थी, इसलिए मैं रुका हुआ, वहां रुका काफी दिन रहा हूं,
उसने अपनी वाइफ तक से प्रोस्टिट्यूशन कराई है जस्ट टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर्स टूडे। टूरिस्ट बसेस जो उसकी चलती हैं प्रभु जी, आज उसके पास कम से कम 400-500 बसेस हैं, क्योंकि उसने कहा मेरा लक्ष्य जीवन का एक ही है, क्या? पैसा। तो उसके लिए एवरीथिंग इज यूज्ड, सब कुछ जायज है प्रभु जी, बिल्कुल जायज है। कहा मॉरलिटी कैसे लाते हो मुझे समझ नहीं आया, मॉरली नैतिकता क्या है? नैतिकता कोई चीज नहीं है, नैतिकता का बकवास मत करो मेरे सामने। तुम्हारे को जब चांस मिलती है अनैतिक हो जाते हो फटाफट 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है, आपका लक्ष्य मजा है सिर्फ। ये नैतिकता बताऊं क्यों आती है प्रभु जी? नैतिकता आपको समझाऊंगा कभी किसी बार, एक क्लास लूंगा कि नैतिक उन लोगों के लिए जो इंद्र तृप्ति करते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार तू मेरी पूंछ पे पैर मत रख, मैं तेरी पूंछ पे पैर नहीं रखूंगा, दोनों मजा करते इसलिए नियम बनाते हैं। इसलिए क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किताब लिखी है बड़ी अच्छी, चैतन्य शिक्षा अमृत, उसके अंदर जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे करते हैं ये लोग। बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति में खलल आ जाएगी प्रभु जी, अगर नियम नहीं होंगे ना तो क्या हो जाएगी, उनके इंद्र तृप्ति के अंदर बाधा आएगी। इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि हमारी इंद्र तृप्ति जो है बराबर चलती रहे, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसलिए नैतिकता है। नैतिकता भक्ति की बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बाय प्रोडक्ट होना चाहिए नैतिकता, ऑटोमेटिकली आएगी भक्त के अंदर, ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है परमात्मा साथ बैठे हैं। क्या है? अब बताएं कि मैं आत्मा हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं जो सोचूंगा जो करूंगा उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ लाइन पे पड़ जाएगा प्रभु जी। मैं अगर गवर्नमेंट से बच जाता हूं, परंतु वो जो वो इसकी गवर्नमेंट जो बैठी है उससे कैसे बचूंगा? शास्त्रों में आया है कि अंधेरा, उजाला, ये सब हवा, स्पेस, ये सब क्या बनते हैं जब आप जाते हो जमराज के कोर्ट में कि साहब मैं तो कला ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं। फटाफट उस टाइम अंधकार के देवता आ जाते हैं, सूर्य देवता आ जाते हैं, दृष्टि के देवता आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, बोलते हमारे सामने हुआ है सब कुछ, मर गए आप तो। विटनेस, हर चीज का विटनेस है। और परमात्मा फिर बोलता है सारे के बस टाइम में लगा दी, भगवान बोल रहा हूं कि इसने सब कुछ किया है, अब क्या करोगे बताओ? वहां तो अकेले हो, लॉयर नहीं होता, वहां लॉयर नहीं ले आ सकते यहां से, क्योंकि जो आजकल के लॉयर है ये तो पहले ही नरक पहुंच गए होंगे, ये कहां इनको मिली होगी कोई जगह, इनका तो कोई काम ही नहीं है। सो इसलिए ये बस एक चीज ध्यान रखना, मैं सबको आपको पहले बैठो पर्पस देखो, इज माई पर्पस ऑफ लाइफ डेथ? जो मैंने मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है इसका खत्म हो जाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है? यस, फैक्ट तो यही है, फैक्ट तो यही है। तेरे करे कराए पे पानी फिर जाएगा, करे कराए पे पानी फिर जाएगा। ये सब नहीं समझेंगे विवेक, ये सब नहीं समझेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ये सब नहीं समझेंगे, नहीं समझे। हिंदुस्तान में जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो मैं थोड़ी 90% में होना चाहता हूं, है प्रभु जी? आप लोग नहीं सोचते ऐसे? नहीं हो, नहीं हो भाई, अपने पास तो होना चाहिए। तो इसी तरह से अध्यात्म में भी सोचो, दुनिया करे ना करे मैं तो करूंगा, फिनिश खत्म, वहीं आप सही हो जाओगे प्रभु जी। तो बैलेंस नहीं होगा, सपोर्टिव होगा, जहां सपोर्टिव हुआ तो अपने आप समझ जाओगे सब कुछ एकदम क्लियर पड़ जाती है, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जहां बैलेंस करते हो उसमें आप 2 लक्ष्य लेके चल रहे हो, बस वहां फंस गए, 2 नावों में पैर रख दिया, नाव में एक में ही पैर रख रहे हैं, बाकी वो नाव को देख रहे हैं कि नाव सही रहे, मुझे वहां तक पार लगा दे, क्या कर दे कि मुझे पार लगा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, youtube.com/divgeeta, लाइक आवर पेज facebook.com/divgeeta, contact us +91 92 1053 1053, www.givegeeta.com, contact@givegeeta.com.